आपका मेरी YouTube चैनल फिजिक्स फॉर यू बाय अजय सर में। जैसा कि आप जानते होंगे, हम लोग इस समय इरोडोव की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रॉब्लम 3.4। क्या है ये प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व होगा, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टू पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट द पॉइंट्स विद रेडियस वेक्टर R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। फाइंड अ नेगेटिव चार्ज Q3 एंड अ रेडियस वेक्टर R3 ऑफ द पॉइंट एट विच इट हैज टू बी प्लेस्ड फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द थ्री चार्जेस टू बी इक्वल्स टू जीरो। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से दो तीन बातें तो एकदम क्लियर है। सबसे पहली बात जो बिल्कुल मुझे साफ साफ समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि यहां पर इन्होंने ये टर्म यूज किया है रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ये गिवन है। बहुत ध्यान से इस प्रॉब्लम को समझें। क्वेश्चन ही अगर आपको समझ में अच्छे से आ गया तो आपने 50% लड़ाई तो वैसे ही जीत ली। तो फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से सुनिए। वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2। मेरे पास दो चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड है Q1 और Q2, नेचर है पॉजिटिव। सो आई हैव टू पॉजिटिव चार्जेस, वन इज Q1 अनदर इज Q2। अब ये जहां कहीं भी रखे हुए होंगे स्पेस में, इनके पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट चार्ज इज R1 वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड चार्ज इज R2 वेक्टर। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। तीसरा चार्ज Q3 जो कि नेगेटिव चार्ज है, ये क्वेश्चन वाला हमको ऑलरेडी बता रहा है कि उसने जो तीसरा चार्ज हमको दिया है वो बेसिकली एक नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज Q3 है, तो दो पॉजिटिव चार्ज हो गए Q1 और Q2, और तीसरा चार्ज Q3 का नेचर क्या हो गया, वो हो गया नेगेटिव। अब तीसरा नेगेटिव चार्ज हम कहां रखें, कहां रखें मतलब हमें उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। अगेन हियर रेडियस वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर हमको यानी पोजीशन वेक्टर निकालना है Q3 का, हमको वो लोकेशन निकालनी है कि हम Q3 कहां रखें, और दूसरा हमको Q3 का वैल्यू भी निकालना है कि वो Q3 का वैल्यू क्या होगा, सच दैट फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द थ्री चार्जेस टू बी इक्वल्स टू जीरो। Q3 की क्या वैल्यू होगी और Q3 की क्या पोजीशन होगी, जिस वैल्यू और जिस पोजीशन पर मेरा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, उस सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये बेसिकली एसेंस है इस क्वेश्चन का। एक बार इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, उसके बाद और बेहतर तरीके से ये प्रॉब्लम समझ में आएगा कि आखिर ये हमसे बोल क्या रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब क्योंकि देखिए पोजीशन वेक्टर की बात उसने हमसे की है, तो हमको पोजीशन वेक्टर के तौर तरीके क्लियर होना चाहिए। तो मान लीजिए ये मैंने फ्रेम बनाया, XYZ भी आप ले सकते हैं। ठीक, अब यहां पर इस फ्रेम में आई हैव टेकन टू चार्जेस, ये दो चार्ज मैंने लिए, यहां पर इस प्रकार ले लिए। पहला चार्ज क्या हो गया, Q1, और जैसा कि गिवन है ये पॉजिटिव है। दूसरा चार्ज क्या हो गया, Q2, और ये भी पॉजिटिव है। अब जो उसने हमको Q1 और Q2 की नेचर के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है वो है इन दोनों की रेडियस वेक्टर, दैट मींस द पोजीशन वेक्टर। सो लेट अस ड्रॉ द पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए ये वेक्टर बनाया, मैंने नाम दे दिया इसको R1 वेक्टर। सो R1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। नाउ नेक्स्ट R2 वेक्टर। तो यहां पर दूसरा वेक्टर मैं बनाता हूं, ये इस प्रकार मैंने यहां पे एक दूसरा वेक्टर बना दिया, ये हो गया R2 वेक्टर, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। तो मेरे पास Q1 Q2 हो गए, और ये मेरे पास हो गए R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, इनके पोजीशन वेक्टर। अब तीसरा चार्ज जो है वो Q3 है, वो नेगेटिव है, उसे मैं रखूं कहां? ये लॉजिक थोड़ा सा समझिएगा। आपको अगर ये Q1 Q2 के बीच की लाइन ज्वाइनिंग दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा रीजनिंग करते हुए समझिए। पहला तो चैलेंज हमारे पास ये है कि हम ये सोचें कि Q3 कहां आना चाहिए, बीइंग अ नेगेटिव चार्ज। क्या Q3 इस लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस Q1 Q2 पर आना चाहिए, या कहीं भी ऊपर नीचे वो आ सकता है? अगर वो नेगेटिव चार्ज इस लाइन ज्वाइनिंग के अलावा थोड़ा सा भी कहीं भी ऊपर या नीचे आया तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। हमारे इस पूरे क्वेश्चन की जो बैकबोन है वो ये है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सिस्टम का मतलब है तीनों चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, वी हैव ओनली अ सिंगल चॉइस, कि कहीं ना कहीं इस लाइन ज्वाइनिंग द
टू चार्जेस Q1 और Q2 पर मैंने मान लिया, सच दैट ये पोजीशन मैंने ले ली, और यहां पर मैंने इसे अज्यूम कर लिया, इस नेगेटिव चार्ज Q3 को अज्यूम कर लिया, सच दैट ओरिजिन से यहां जो वेक्टर अब मैं बनाऊंगा तो ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर किसका, R3 का, या R3 का पोजीशन वेक्टर बन गया। लेट Q1 से इसका डिस्टेंस मैंने कितना माना A, और Q2 से इसका डिस्टेंस मैंने कितना माना B, तो ये पिक्चर हमारे सामने आ गई। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है Q3 का मैग्नीट्यूड। मैं फिर रिपीट कर दूं, मुझे सिर्फ Q3 का मैग्नीट्यूड चाहिए, आई ओनली वॉन्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ Q3, क्योंकि नेचर तो ऑलरेडी क्वेश्चन ने मुझे प्रोवाइड किया है एंड द नेचर ऑफ Q3 इज माइनस, तो आई जस्ट रिक्वायर द मैग्नीट्यूड ऑफ Q3। दूसरी चीज जो मुझे चाहिए वो है रेडियस वेक्टर R3 की वैल्यू। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो तीनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स जीरो होना चाहिए। सबसे पहले Q3 पर आप नेट फोर्स जीरो करो। ठीक है, तो Q3 पर आप, ये पहली स्टेप है यहाँ पर, जब आप Q3 पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो करेंगे क्या होगा, ये पॉजिटिव Q1 Q3 से क्या करेगा, ये पॉजिटिव Q1 Q3 को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव Q2 भी Q3 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्सेस जो होंगी वो Q3 पर बैलेंस अगर होंगी तो ही तो Q3 इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो पहली फोर्स जो होगी वो क्या होगी, के Q1 Q3 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर। सो के Q1 Q3 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये मैंने क्या किया, ये मैंने Q1 और Q3 के बीच में कूलम्स लॉ को अप्लाई किया इस डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर, और ये जो फोर्स है ये बराबर होना चाहिए के Q2 Q3 बाय बी का स्क्वायर। अब मैंने Q2 और Q3 के बीच में कूलम्स लॉ अप्लाई किया तो ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, के से के कैंसिल, Q3 से Q3 कैंसिल, और मेरे पास आता है Q1 बाय ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू Q2 बाय बी स्क्वायर। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है Q1 बाय Q2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं ए अपॉन बी का वैल्यू मेरे पास आ गया अंडर रूट Q1 बाय Q2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बाय बी, ये ए अपॉन बी की वैल्यू मेरे पास आई, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, आगे इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको यहां तक अभी क्वेश्चन तो कम से कम समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन हमसे क्या कहने जा रहा है। नाउ नेक्स्ट, अब यहां मैं यूज करने जा रहा हूं एक वेक्टर प्रॉपर्टी। आप देख रहे होंगे सेक्शन फॉर्मूला जैसा सिस्टम यहां बन गया। आप लोगों से मैं एक बात एडिशनली और ये कहना चाहता हूं, देखिए फिजिक्स का अगर आपको एक अच्छा खासा कमांड चाहिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमांड चाहिए फिजिक्स पर, तो आप इसे पसंद करें ना करें, मैथमेटिक्स का आपको बहुत सॉलिड नॉलेज होना चाहिए। कब क्या पता कौन सा पुराना कंसेप्ट आपके मैथ्स का या 11th क्लास की फिजिक्स का 12th में लग जाए, यू मे नेवर नो, आप पता नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहां अब मैं देखिए ये ए बी और R3 के बीच में जो रिलेशनशिप लिखने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये मैं यहां पर लिखता हूं कि वी नो दैट R3 वेक्टर इज इक्वल्स टू ए R2 प्लस बी R1, ठीक है, ए R2 प्लस बी R1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। सो ये रिलेशन जो है ये इस प्रकार R3 और ए बी के बीच में होता है, जैसा कि सिस्टम मुझे यहां पर दिया है। अब आप इसे फर्दर प्रोसेस करें तो R3 वेक्टर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बी से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी R2 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर, और ये हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस 1। क्लियर, अब ए अपॉन बी की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है वो रखी हुई है अंडर रूट Q1 प्लस Q2। तो ये इस तरह से हमारे पास आएगी R3 वेक्टर इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 को यहां पे आप यूज करें सो इट विल बिकम अंडर रूट Q1 बाय Q2 R2 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q1 बाय Q2 प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए, सो R3 वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट Q1 R2 प्लस अंडर रूट Q2 R1 डिवाइडेड बाय, अब यहां नीचे अंडर रूट Q2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे उसके नीचे भी अंडर रूट Q2 आएगा, तो उस Q2 से ये Q2 कैंसिल, फाइनली हमारे पास आएगा नीचे भी अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। तो ये रिजल्ट मेरे पास यहां पर फाइनली निकल के आता है।
ठीक है, ये रिजल्ट फाइनली मेरे पास आया एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो ये जो आर थ्री है, आर थ्री की जो वैल्यू है यहां पे आप देखेंगे, आर थ्री की वैल्यू मैंने क्यू वन क्यू टू और आर वन आर टू के टर्म्स में कैलकुलेट की। आप यहां पर आर्गुमेंट कर सकते हैं कि आर थ्री की वैल्यू तो आपको यहां भी पता चल चुकी थी, डेफिनेटली मेरे पास आर थ्री की वैल्यू यहां पर भी थी, लेकिन आप थोड़ा और से देखिए, ये जो आर थ्री वेक्टर की वैल्यू मेरे पास यहां पर थी, इनके पैरामीटर्स क्या थे? इनके पैरामीटर्स थे ए और बी। क्वेश्चन में आर वन और आर टू तो गिवन था, लेकिन ए और बी जैसे टर्म्स तो मैंने अपने हिसाब से अज्यूम किए थे। कभी भी हमको फाइनल आंसर उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही फाइनलाइज करना पड़ता है जो पैरामीटर हमको क्वेश्चन में दिए जाते हैं। तो मैं इसको फाइनल आंसर कैसे मान सकता था? क्या ए और बी लेने की एडवाइस मुझे यहां पर की गई थी? बिल्कुल नहीं, वो मेरा एक अपना अप्रोच था कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूंगा। अब यहां पर जो ये फाइनल जो मेरे पास रिजल्ट आया, ये उन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग में है जो पैरामीटर मुझे क्वेश्चन में दिए गए थे। फाइनली मैंने यहां पर आर सी वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया है। अब जो मुझे फाइंड आउट करना है वो करना है इस क्यू थ्री का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्यू थ्री का जो मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा वो किस अप्रोच के साथ निकाला जाएगा उसको आप ध्यान से देखिए। यहां पर इन्होंने हमसे जो डिमांड की है वो ये की है कि Q3 का मैग्नीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हमारे तीनों चार्जेस पे लगने वाला जो फोर्स है वो इक्वल्स टू जीरो हो। एक्चुअली ये Q1, Q2 और Q3 ने मिलकर एक सिस्टम बनाया तीन चार्ज का। अब इनके अकॉर्डिंग तीनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स जीरो होना चाहिए। दैट सिंपली मींस कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, उसको ध्यान से आप देखें। अगर कोई सिस्टम है इस प्रकार का जिसमें ये तीन चार्ज हैं, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आपको कभी भी प्रूफ करने को आता है या उसके बेसिस पे आपको कोई रिजल्ट डिड्यूस करना है, तो जैसे कि आपने Q3 पर नेट फोर्स को जीरो किया और ये रिजल्ट हासिल किया, उसके साथ साथ आपको बचे हुए दो चार्ज में से किसी एक को फिर से लेना पड़ता है और उस पर नेट फोर्स बैलेंस करना पड़ता है, तब जाकर जो रिजल्ट वहां से आएगा वो आपके काम का होगा। नाउ आप Q1 Q2 में से किसी एक को भी लेके आगे बढ़ सकते हो। जैसे ये मेरे सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है। अब जैसे मैंने मान लिया Q1, अब Q1 पे मुझे नेट फोर्स जीरो करना है, तो Q1 पर Q3 की वजह से लगने वाला फोर्स ये अट्रैक्टिव होगा और Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स ये रिपल्सिव होगा। ये बैलेंस होना चाहिए, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब के Q1 Q3 बाय ए का स्क्वायर बराबर होना चाहिए के Q1 Q2 बाय, बहुत ध्यान से देखेंगे, के Q1 Q2 और जो टोटल डिस्टेंस है वो यहां पर आ गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये Q1 Q3 जब Q1 Q3 मैंने लिया तो मैंने ये वाला सेपरेशन लिया और Q1 Q2 के केस में मैंने ए प्लस बी टोटल सेपरेशन लिया। ये फोर्स बराबर होना चाहिए, तो K से K कैंसिल, Q1 से Q1 कैंसिल आउट हो गया, Q3 अपॉन A का स्क्वायर, ठीक है, Q3 अपॉन A का स्क्वायर बराबर मेरे पास आता है Q2 अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर। A स्क्वायर को वहां ट्रांसफर करें, सो इट विल बी Q3 इज इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे Q3 का ही मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं A स्क्वायर को यहां भेजूंगा, तो ये हो जाएगा Q2 मल्टीप्लाइड बाय A स्क्वायर और नीचे आता है A प्लस B का होल स्क्वायर। यहां से A स्क्वायर आप बाहर लें तो Q3 is equals to Q2, A square ऊपर है, A square आप बाहर ले लेंगे, यहां बचेगा 1 plus B upon A, 1 plus B upon A का whole square, तो A square से A square यहां cancel out हो जाएगा। मेरे पास जो result आता है वो इस तरह से आता है, Q3 is equals to Q2, और नीचे मेरे पास आता है 1 plus B upon A का whole square। ये देखिए Q3 का जो result मेरे पास आ रहा है वो ये आ रहा है, बट क्या ये जो रिजल्ट है ये उन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग में है जो मुझे क्वेश्चंस यहाँ पे जो क्वेश्चन में मुझे दिए गए थे? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर मेरे थ्रू अज्यूम किए गए दो पैरामीटर ए और बी आ गए, तो मुझे करना क्या है, मुझे इन्हें यहां से हटाना है। और अगर आपको इक्वेशन वन याद है जो हम लोगों ने सॉल्यूशन की स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी, तो उस इक्वेशन वन के अकॉर्डिंग ए अपॉन बी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी? अंडर रूट क्यू वन बाय क्यू टू। अब ये वैल्यू उठाकर मैं यहां पर यूज करूंगा तो Q3 की वैल्यू यहां पर आ जाएगी Q2 बाय 1 प्लस, अब ये B अपॉन A है, सो इट विल बी अंडर रूट
Q2 बाय Q1 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सो Q3 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये Q3 की वैल्यू क्या होगी, Q2। अब आप यहां पे सॉल्व करें इसे, सो इट विल बी अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। ध्यान से देखें, अंडर रूट Q1 प्लस Q2 बाय अंडर रूट Q1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट जो Q1 का स्क्वायर है वो रूट और से स्क्वायर सॉल्व होकर ऊपर चला जाएगा एंड इट विल बी Q1। सो दिस इज द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग। ये जो मेरे पास आया ये Q3 का मैग्नीट्यूड आया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये मैग्नीट्यूड कैसा था, ये मैग्नीट्यूड नेगेटिव था। सो फाइनली आई शुड राइट Q3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q1 Q2 बाय अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 और इसका क्या होगा, ये होल स्क्वायर होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो इन दिस वे हम लोगों ने आज पोजीशन वेक्टर Q3 का फाइंड आउट किया और Q3 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा वो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया। तो एट द एंड ये क्वेश्चन किस प्रकार का रहा, शायद आपका ये एक्सपीरियंस आ रहा हो कि एक तो आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा संघर्ष हुआ है, बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इरोडोव के हैं, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आते हैं। और अगर आप इन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप वास्तव में फिजिक्स पर कमांड लाना चाहते हो। आप मजाक नहीं कर रहे हो अपने साथ, आप अपने कैरियर के साथ मजाक नहीं कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, कॉपी पेन आपके पास में है एंड यू आर सिंसियरली एंड सीरियसली वर्किंग ऑन योर फ्यूचर ऑन योर फिजिक्स, तो वो तो रहेगा आपका। दूसरा, एक बार क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो वो समझ में आ चुका है, इसकी सिर्फ एक निशानी है और वो निशानी ये है कि आपका विजुअलाइजेशन हो चुका है। ये विजुअलाइजेशन होना बेहद जरूरी है। फिर क्या पैरामीटर्स हमको दिए गए हैं, हमें आंसर उस पैरामीटर में निकालना है। फिर ना जाने कौन सा पुराना पढ़ा हुआ कंसेप्ट हमारा साथ दे जाए। ये स्किल्स की बातें हैं स्टूडेंट्स, और ये स्किल्स सिर्फ प्रैक्टिस से जनरेट होती है। प्रैक्टिस के अलावा, अभ्यास के अलावा, लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस के अलावा आपके मेरे पास और किसी के पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा पतला सा छोटा सा रास्ता नहीं है जिस पर हम चलकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। आग में तपकर ही सोना कुंदन बनेगा, आज तक इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं बन पाया। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ मैं अगले वीडियो में आपके साथ जरूर आऊंगा। टिल देन वेट फॉर द वीडियो, मेरे साथ बने रहिए। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया गया है, तो आप डाउट पूछें, सजेशंस दें, अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, इजाजत दें, नमस्कार।